नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं स्वाति। दशहरे पर गंगादास की बड़ी शाला में दशहरा पर 700 साल पुरानी तोप से गोले दागकर संतों के शस्त्रों का पूजन किया। इस तोप की मदद से महाराजा गंगादास ने साधु संतों के साथ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पार्थिव शरीर को बचाने के लिए अंग्रेजों की फौज से लोहा लिया था और रानी के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार होने तक गंगादास की शाला में घुसने नहीं दिया था। विजयदशमी पर इन्हीं शस्त्रों का पूजन किया जाता है जिनके प्रहार से अंग्रेजों की फौज भी कांप उठी थी। वीरांगना के पार्थिव शरीर की रक्षा करने के लिए राष्ट्रभक्त 745 साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। गंगादास की बड़ी शाला रामानंदाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से एक है। यह निर्मोही निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों की पूरण बैराठी द्वाराचार्य पीठ है। वर्तमान में गंगादास की शाला के प्रमुख महंत स्वामी रामदास महाराज हैं। गंगादास की बड़ी शाला के संतों का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बड़ा योगदान है। झांसी से अंग्रेजों की फौज का मुकाबला करते हुए वीरांगना यहां पहुंची थी। यहां गंगादास की शाला के पास अंग्रेजों ने घेर कर घायल कर दिया था। घायल अवस्था में रानी अपने गुरु गंगादास महाराज के पास पहुंची और उनसे वचन लिया कि मेरे मृत देह किसी सूरत में पापी अंग्रेजों के हाथ नहीं आनी चाहिए। गंगादास की शाला को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था और अंदर घुसने का प्रयास किया। शाला में मौजूद नागा संतों ने अपने परंपरागत हथियार तलवार पट्टा बर्छी व चिमटों से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। यार कौन यार।